नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि नाइट्स विद आयुष यूट्यूब सीरीज में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब सीरीज में हम आपके सामने लाते हैं बैक टू बैक एपिसोड्स, जिसमें कि आपको नीमच, उज्जैन और इंदौर में हो रहे विभिन्न प्रकार के गरबा महोत्सव और उनके रिव्यूज जानने को मिलते हैं। छोरी बड़ी अनमोल, मीठे मीठे इसके बोल, आंखे इसकी गोल 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 गोल, तो ढम ढम बाजे ढोल। हाँ हाँ, छोरा है नटखट, बोली है पटपट, अरे छेड़े पूछे बोले। सो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए MP's fastest growing YouTube चैनल AA Adventures। साल के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर लौट आया है मध्य भारत का सबसे फेमस गरबा महोत्सव, जिसका नाम है पंखेड़ा गरबा। और इस बार पंखेड़ा गरबा महोत्सव की आन बान और शान बढ़ाने के लिए हमारे बीच आ चुकी है गरबा क्वीन, वन एंड ओनली फाल्गुनी पाठक। ब्रदर, कैसा लगा आपको पंखेड़ा 2023? यार ओवरऑल हम थोड़ा सा लेट हो गए थे आने में यहाँ पे, बट हमने ऐसा एक्सपेक्ट करा था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होगी। वो तो थी सही, भीड़ तो बहुत थी। हम जब अंदर आए तब यहाँ पे एंट्री नहीं मिल रही थी, हमारे पास पास थे, हमने अरेंज कर लिए थे, वो भी लास्ट मोमेंट पे अरेंज करे थे। लेकिन जब हम यहाँ पे आए हमने देखा कि सिस्टम थोड़ा अच्छा है, जो जिनके पास पास थे उनकी एंट्री अलग थी, जो कॉमन वाले उनकी एंट्री अलग थी। तो हमको पहले की शुरू की लाइन देख के लगा कि यार इसमें नहीं लगना पड़े, लेकिन फिर पीछे से जो एंट्री थी उसमें हम यहाँ तक आए। यहाँ से भी फिर उन्होंने पास चेक करे, तुरंत वेरीफाई करा, हमने बिल्कुल परफॉर्म करा यार, बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं तो फर्स्ट टाइम आया फाल्गुनी पाठक के, उसमें मतलब ऐसा था कि मेरे को भी फर्स्ट टाइम आई है वैसे। नहीं ऐसा नहीं, इंदौर वो पहले आई भी है। हाँ, पंखेड़ा पहले होता था उसमें आती थी वो, लेकिन इस बार ये सरप्राइजिंग है कि जैसे दशहरा हो गया, दशहरे के बाद गरबे में, और उसके बाद भी इतना लोग आ रहे हैं दशहरे के बाद भी। यूजुअली क्या दशहरा हो जाता है उसके बाद ठीक है, एक ठंडा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो जोश है, पहले हाफ में तो थोड़ा हम चार्ज भी हो रहे थे, लेकिन फिर थोड़ा स्नैक्स वगैरह करा उसके बाद मुझे तो लगा था कि वो चली गई है। मेरा एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं अंदर जाऊंगा वापस से परफॉर्मेंस देखूंगा मैं उनकी। हाँ मतलब हाँ, और फिर डबल एनर्जी के साथ हुआ तब पसीने छूटे और बिल्कुल मतलब एक चार्ज अप हो गया एंड में, तो मतलब बहुत 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 ही बढ़िया था, बहुत शानदार था। मतलब ओवरऑल बोलूँ तो मैं, हमने तो बहुत एंजॉय कराया, जितने भी आए थे सबने एंजॉय करा, जिन जिनको भी हमने देखा।
बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंदौर न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी और हमारे साथ आज मौजूद है आयुष जी। आयुष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो आयुष जी एक बहुत ही जाने माने यूट्यूबर है, तो हम आयुष जी से पूछना चाहेंगे कि आयुष जी, आप यूट्यूब की जो लाइन है उसमें आप कब से मौजूद है? देखिए, अभी मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी जस्ट 1 month से मैंने ज्वाइन किया है। एंड बेसिकली मेरा मोटिव ये नहीं था, अभी क्या है एक्चुअली, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं एक्चुअली व्लॉगिंग का सोचा था कि मैं नई नई प्लेसेस पे जाऊंगा, एक्सप्लोर करूंगा। बट फिर जब मैंने रिव्यूज और इंटरव्यूज लोगों से लेना शुरू किया तो मुझे भी इसमें मजा आने लगा और लोग भी काफी एक्साइटेड होकर के देने लगे। तो मुझे लगा कि रिव्यूज ज्यादा अच्छा रहेगा, लोगों से ऑनेस्ट रिव्यूज लेंगे अपन इवेंट्स और ये सारे शोज और जो भी नई ओपनिंग्स होती है, नई शॉप्स होती है, उनका मैं फिर कवरेज लेना स्टार्ट किया मैंने। सो आज मैं आया था यहाँ पर पंखीड़ा 2023, जिसमें कि फाल्गुनी पाठक जी आई थी और यहाँ पर मैं पार्टिसिपेंट्स का इंटरव्यूज ले रहा था तो काफी मजा आया। तो हमारे साथ ये भी एक पार्टिसिपेंट है, तो आप बताइए कैसा लगा आपको आज का शो? तो जैसे कि आज मैं और आयुष जी मौजूद है फाल्गुनी पाठक के इस महोत्सव में, तो काफ़ी ही संख्या में यहाँ दर्शक मौजूद है आप, और काफ़ी ही समय बाद हमें यहाँ जीतू सोनी जी भी मौजूद दिखे हैं। तो आयुष जी, आप बताइए कि आपको यह इवेंट कैसा लगा? देखिए, मुझे तो बहुत ही शानदार, बहुत ही आउटस्टैंडिंग, एक बहुत ही एनर्जी से भरा हुआ इवेंट लगा मुझे। अभी तक जिस इसका भी मैंने रिव्यू लिया वो एकदम पॉजिटिव, एकदम एक्साइटेड दिखे मुझे, काफ़ी मजा करा उन्होंने एक्चुअली। और जैसे कि ये फाल्गुनी पाठक जी भी इंदौर में फर्स्ट टाइम आई है, तो आप इनके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और इनके यूट्यूब चैनल का नाम है AA Adventures। थैंक यू। जब 16,000 थी जब मैं लेने गया था बुकिंग तब, उसके बाद भी कंटिन्यू थी, मतलब एक दिन में इंसान 10 दिन के मजे लेने की इच्छा रख रहा था।
क्रेज था लोगों में, क्रेज बहुत काफी क्रेज। 2 साल के बाद लोग क्या है, अब अगले साल के लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन कर करेंगे। आज हमने मतलब उतनी खास प्रिपरेशन नहीं की, मतलब जितना आता था उसका। तो लोग ऐसे होते हैं कि वो तो पंखड़ा जैसा कोई नहीं। मैं किसी और प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूँगा, किसी और प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूँगा मैं, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ। पर पंखड़ा इज़ द बेस्ट, इसके जैसा मज़ा कहीं नहीं आता है। आखिर 2 साल बाद हुआ है, जीतू सोनी जी वापस आए हैं, पर आते से उन्होंने ये कदम रख दिया, धमाल मचा दिया, ये कदम रख दिया कि हाँ अगले साल से 10वें दिन गरबा होगा। अनएक्सपेक्टेडली, मतलब कि अचानक से हुआ। इसकी इन्फॉर्मेशन आई कि पंखेड़ा हो रहा है और अलग ही क्रेज बन गया इसका। मतलब एक इस दिन के लिए मतलब सब बिजी होते हैं, बट पंखेड़ा के लिए सबने टाइम निकाला, एक सम्मान दिया उसको। कितने सालों से चला आ रहा है इवेंट्स ये लगभग 20 साल से, 20 साल अराउंड, उससे भी ज्यादा। जेडी इवेंट्स ही कराते, सबसे बेस्ट इवेंट ऑर्गेनाइजर है इनका, ओनर वही है जीतू सोनी। जेडी इवेंट्स अलग है, इवेंट्स अलग है, जो इवेंट्स है ये बाहर का इवेंट है, ये यहाँ का इवेंट नहीं है। यहाँ आता है पंख, ये यहाँ आता है सिर्फ पंखड़ा के लिए।